अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फ्रूट चाट। सबसे पहले हम पपीता डालेंगे, उसके बाद कीवी डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज डालेंगे, केला डालेंगे, खरबूजा डालेंगे और सेब डालेंगे क्यूब्स में कटे। ये इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, इफ्तार में बनाइएगा आपको ज़रूर पसंद आएगी। अंगूर डालेंगे, ऑरेंज डालेंगे, जो आपके पसंद के फ्रूट हो वो भी डाल सकते हैं। चाट मसाला, काली मिर्ची और चीनी, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऑरेंज जूस डालेंगे, अगर आपके पास ऑरेंज जूस अवेलेबल ना हो तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको बनाएंगे इस तरह, सर्विंग बाउल में डालेंगे। देख सकते हैं चटपटी सी मज़ेदार सी फ्रूट चाट रेडी है। अपनी मर्ज़ी के भी फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। के ऊपर कीवी रख देंगे, स्ट्रॉबेरीज रख देंगे। आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती फ्रूट चाट रेडी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ लाहौर के मशहूर लिबर्टी की फ्रूट चाट। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे क्रीम, एक कप पाउडर शुगर डालेंगे इसके अंदर, इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। इसके अंदर केले डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज डालेंगे, क्रैप्स डालेंगे, बॉयल छोले डालेंगे, कीवी, ऑरेंज, आप अपने पसंद के भी फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। चाट मसाला, इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी ऊपर लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं देखने के लिए इसकी रेसिपी। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे और आप इसको ठंडा भी करके सर्व कर सकते हैं। इफ्तार के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। फिर इसको हम सर्व करेंगे। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के जो आपको पसंद हो फ्रूट वो डाल सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है लाहौर के मशहूर फ्रूट चाट। इसका ना ऊपर फ्रूट से डेकोरेशन कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी से, कीवी से, जो आपके मर्ज़ी के फ्रूट हों उससे भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।